नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम देखेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत आज हम टोटल 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहां पर टोटल 4 चॉइस दे रखी है और ये पूछ रहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम आता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट होने के बाद यूजर के काम आने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। विंडोज 7, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जब डाला जाता है तब कंप्यूटर ऑपरेट होता है, चलता है, इसे अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो इसका आंसर ये सही है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है पेज मेकर। पेज मेकर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बुक्स वगैरह टाइप होती है वो पेज मेकर के अंदर होती है, तो पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नोटपैड जो एक सामान्य टेक्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर टाइपिंग का काम किया जाता है, और बहुत ही बेसिक रूप से टाइपिंग होती है नोटपैड के अंदर, और थोड़ा एडिटिंग प्रोग्राम जो है वो है वर्डपैड। ये दोनों जो होते हैं ना, एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है इसके अंदर टेक्स्ट टाइपिंग होती है, और वर्डपैड जो होता है वो एक बेसिक एडिटिंग प्रोग्राम होता है जो किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ आता है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विंडोज एसेसरीज नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखो, ये रहा विंडोज एसेसरीज। इस पर जब अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नोटपैड दिखाई दे रहा है। ये एक बेसिक टेक्स्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडोज के साथ इनबिल्ड होता है। मतलब जैसे विंडोज अपन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड अपने को मिल जाता है, और वर्ड पैड भी कंप्यूटर के साथ मिल जाता है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ये एमएस वर्ड की तरह होता है, लेकिन एमएस वर्ड में ज़्यादा फैसिलिटी होती है, जबकि वर्ड पैड एक बेसिक एडिटर प्रोग्राम है, ठीक है। और जो नोटपैड जो अभी मैंने आपको बताया था, वो नोटपैड क्या काम आता है, ये देखो, ये जो नोटपैड है इसके अंदर जब अपन कोई भी टाइपिंग करते हैं ना, तो बिल्कुल ये नॉर्मल टाइपिंग के काम आता है, और जो HTML पेज होता है मतलब वेब पेज होते हैं उनको बनाने के लिए भी नोटपैड का उपयोग किया जाता है। मैं आगे जब HTML पढ़ाऊंगा आपको तब नोटपैड का उपयोग करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे क्या है, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। फोटोशॉप में क्या होता है, फोटो एडिटिंग होती है, किसी भी फोटो में एडिटिंग के लिए फोटोशॉप का यूज किया जाता है। तो ये 3 तो हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और विंडोज 7 हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा क्या है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। बात हो गई वहीं पे, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है। और अगर ये सब चल गए, कंप्यूटर के हार्डवेयर चल गया, मतलब आपने जब सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर डाला है, तब आपके कीबोर्ड भी काम करेगा, माउस भी काम करेगा, और मॉनिटर वगैरह ये सारी चीज़ें काम करेगी। अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, ठीक है। और अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से हट गया, फॉर्मेट हो चुका है कंप्यूटर, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं, एक नॉर्मल हार्डवेयर बन चुका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला ऑप्शन क्या, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर यूजर काम करता है। तो यूजर काम करता है वो तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलता है तब ये चलता है। दोनों मैंने सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से आपको बताए हैं, ए और बी दोनों ये नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ए। और ऊपर वाला भी आंसर क्या था, इसका भी ए था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम था जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अलग था, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब दोनों चीज वहीं पे आके रुक चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं,
किसी भी फोटो को, नक्शे को, या किसी बुक को, किसी कागज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेने के लिए काम आता है स्कैनर। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस, टेप, जिसके माध्यम से भी अपन कंप्यूटर में कुछ सुन सकते हैं। सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आता है। लेकिन जो प्लॉटर है वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर होता है क्या, आपको पता है? प्लॉटर क्या होता है? जब अपन छोटे कागज को प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर के माध्यम से निकल जाता है, चाहे फोटो निकालो चाहे कागज निकालो। लेकिन जब आपने देखा होगा कहीं रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, वो प्रिंट निकलते कहाँ से? वो निकलते हैं प्लॉटर के माध्यम से। एक बड़ा प्रिंटर कह सकते हो आप, जिसके माध्यम से बड़े बड़े फ्लेक्स को प्रिंट निकाला जाता है, उसे अपन प्लॉटर कहते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? लिमिटेशन, मतलब कंप्यूटर की लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर की कमी। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, ये अगर आपको पता है तो कंप्यूटर की कमी क्या है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? स्पीड। कंप्यूटर अच्छी स्पीड से काम करता तो ये तो सही है। कंप्यूटर एक्यूरेसी है, वो शुद्धता से भी काम करता है, मतलब जो भी रिजल्ट देता है वो सही देता है, करेक्ट आंसर होते हैं। और परिश्रम, डिलीजेंसी, मतलब कंप्यूटर क्या करता है? परिश्रम भी करता है, मतलब जो भी आप उसको काम दे वो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। लेकिन बुद्धि का अभाव, ये कंप्यूटर की क्या है? एक लिमिटेशन है, उसकी कमी है, बुद्धि का अभाव, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी। मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, आप कोई भी डाटा भरते हो, भले वो 1 GB डाटा हो, चाहे वो 10 GB हो, चाहे 1024 GB हो, मतलब 1 TB, किसी भी स्थिति में क्या होता है, एक समय पर वो फुल हो जाती है। मतलब आपको कभी न कभी ऐसा महसूस होगा कि आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है। तो ये कंप्यूटर की एक कमजोरी है, लिमिटेशन है, और इसे कंप्यूटर की कमी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिख देते हैं अपन? डी। क्या हो गया? डी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, वहां पे आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज 7 है। पेज मेकर नहीं है, नोट पैड नहीं है, फोटोशॉप नहीं। सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। ये कि ये ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया, लेकिन आपको पता है पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने अभी आपको बता दिया है, नोट पैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडोज 7 क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर फिर से क्या हो गया? ए। और इसका आंसर भी क्या था? ए। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। मतलब सही है या गलत है? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? बहुत ही सस्ते होते हैं, चीप, मतलब सस्ते होते हैं। क्या यह आंसर सही है या गलत? अभी मैंने आपको इसको बताया नहीं है, लेकिन आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, जब कंप्यूटर को पूरा पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो बहुत महंगे होते हैं, तो ये जो कथन है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट, एक कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन नहीं है? मतलब कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया, कोई कंप्यूटर बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, किसी की मेमोरी बड़ी होती है, किसी की मेमोरी कम होती है, कोई फास्ट स्पीड से चलता है, कोई स्लो स्पीड से चलता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होते हैं, और नोटबुक कंप्यूटर होते हैं, लेकिन मैक्स फ्रेम ऐसा कोई कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, ये सारे क्या है? क्लासिफिकेशन है, कंप्यूटर के भाग हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर नहीं,
वर्क स्टेशन नहीं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे फास्ट गति से चलने वाला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। और भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? परम, PARAM, परम। परम क्या है? भारत में सबसे पहले बनने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और फास्ट स्पीड से कार्य करता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।